सटियाई भी बातें मत करो मेरे सामने। आप चाहे रोड पे रहो या स्टेशन पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये घर नहीं बिकेगा, किसी कीमत पे नहीं बिकेगा। तो उसे अपनी आई कहती है, लेकिन फिर उसी लड़की की पैरवी कर रही है जिसने ईशु को धोखा दिया था, जिसके वजह से हमारी ईशु को तकलीफ हुई थी। हरियाणा, मुझे ईशु की किस्मत पे रोना आ रहा है और बुरा लग रहा है मुझे हमारे ईशु के लिए। और दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही है कि भगवान किसी को भी आप जैसी आई ना दे। निशु, आपकी हरकतें थप्पड़ मारने के लायक ही थी। मुझे लगा था ईशा मैम पर हमला करवाना कि सबसे गिरी हुई हरकत थी, लेकिन आपने मुझे गलत साबित किया है। वीनू, सभी क्या बोल रही है? तूने ईशा पर जानलेवा हमला करवाया? क्यों? ये सब क्यों किया? मैं आपको बताती हूँ ना इनकी करतूतों के बारे में। ईशा मैम पर जो जानलेवा हमला हुआ था ना, उस प्लानिंग में, उस साजिश में दादा शामिल थे। हम तो परोसते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और साथ के साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।